फ्रेंड्स, विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, ऐसे में हम सभी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा इशू होता है कि सभी को हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप मेरे साथ ये रेमेडी फॉलो कर सकते हैं एंड इसका जो है बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो चलिए मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नैना की लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल ये जो है वो एक ऑयल है जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, और इतना सिंपल है कि सभी के घरों में इजीली सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपके किचन में ही अवेलेबल होंगी और आपको बाहर से मंगाने की किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, और आपका जो हेयर फॉल है वो भी स्टॉप हो जाएगा, आपके बालों में शाइनिंग भी आएगी एंड आपके बालों की ग्रोथ भी जो है वो बढ़ेगी। तो चलिए वीडियो देख लीजिए। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल लेना है जो कि हमारे घरों में खाने में यूज़ होता है। 5 से 6 चम्मच आपको मस्टर्ड ऑयल लेना है एंड आपको 1 चम्मच लेना है कलौंजी यानी कि ब्लैक अनियन सीड एंड 1 चम्मच आपको ग्रेट की हुई जिंजर लेना है जो कि हम चाय में यूज़ करते हैं, जिंजर यानी कि अदरक। बस यही 3 चीज़ों से हम अपना ये ऑयल प्रिपेयर करेंगे, और ऑयल ये इतना ज़्यादा ऑसम है कि अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा, आपके बाल रूखे सूखे बेजान से हैं, तो ये आपको फ़ौरन, अगर आप चाहते हैं कि आपको तुरंत रिजल्ट मिले तो उसके लिए आप इसे यूज़ करिए एंड आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने हेयर के अकॉर्डिंग जो है वो मस्टर्ड ऑयल लिया, और उसको जो है आपको बहुत ही स्लो फ्लेम पे जो है इन तीनों चीज़ों को पहले एक साथ मिक्स कर लेना है, देन आपको जो है स्लो फ्लेम पे चढ़ा देना है, और उसके बाद बहुत ही स्लो फ्लेम पे आपको इसको जो है वो बॉयल करना है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें दोनों चीज़ें ऐड कर दी और धीरे धीरे से ये बॉयल होना स्टार्ट हो गया। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको जो आपकी जो जिंजर है उसका कलर जो है बहुत ज़्यादा चेंज ना हो, वो जले नहीं, इसलिए आपको कंटिन्यूटी में इसको चलाते ही रहना है, और जब चलाते रहेंगे तो आपकी जिंजर का कलर जो है वो ब्लैक नहीं पड़ेगा। और अगर आप डबल बॉयलर मेथड से बना लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। उसके लिए आपको एक बड़े पॉट में पानी गर्म करना है एंड ऑयल एंड ब्लैक अनियन सीड एंड जिंजर तीनों को एक साथ किसी बॉल में ले लेना है, और उसी वाटर में आपको उसको डाल देना है एंड आपको उसे जो है वो ऑयल को बना लेना है। तो अगर डबल बॉयलर से बनाते हैं तो आपको जितना मैं बता रही हूँ इससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे और आपका जो हेयर फॉल है एकदम से स्टॉप हो जाएगा। बट मैंने जो है वो इस मेथड से बनाया, मैं दोनों मेथड से ही बना लेती हूँ क्योंकि मुझे बेनिफिट दोनों से ही मिलते हैं। तो बस इस तरह से ये धीरे धीरे जो है बनना स्टार्ट हो रहा है, बस आपको स्लोली स्लोली इसको जो है वो धीरे धीरे से जो है वो पकाना है ऑयल को। जब ये ऑयल प्रिपेयर हो जाएगा तो आप देखेंगे इसमें जो झाग सी आ रही है, झाग बननी एकदम बंद हो जाएगी। तो अभी हमारे ऑयल में जो है वो झाग बन रही है, इसलिए हमारा ऑयल जो है अभी नहीं बना है। एंड फ्रेंड्स, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट मैंने लिए इतने सिंपल हैं कि सभी के घरों में इजीली अवेलेबल हैं, तो आपको बस इसे बनाना है, यूज़ करना है, और आप 1 वीक ही इसको यूज़ कर देंगे आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा। एंड इसको आपको लगा के 1 से 2 दिन रखना है, देन आपको हेयर वॉश कर लेना है। हेयर वॉश आप अगर मार्केट वाले शैम्पू से करते हैं फिर भी ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है और आप चाहते हैं कि हमारा हेयर फॉल जो है एकदम से स्टॉप हो जाए, तो मेरे वीडियो में जो है मैं एक लिंक दे दूँगी फेनोग्रीक शैम्पू जो मैंने घर का बनाया हुआ है, अगर आप वो वाला शैम्पू इस ऑयल के बाद यूज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट और ज़्यादा मिलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा ऑयल जो है वो बन गया है, और इसको जो है अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी, और ऑफ़ करने के बाद आपको इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, ऑयल हमारा बन गया है, इसको एक बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। आप चाहें तो इसे स्ट्रेन भी कर सकते हैं, बट मैंने स्ट्रेन नहीं किया है, और मैंने पूरा जो ऑयल है वो एक बाउल में निकाल लिया है, और इस ऑयल से मैं अपनी स्कैल्प से लैन तक की अच्छे से मसाज करूँगी। मसाज करने के बाद जो है वो इसको मैं 2 दिन के लिए छोड़ दूँगी, देन मैं अपना हेयर वॉश करूँगी फेनोग्रीक शैम्पू से जो कि मैंने घर पर बनाया हुआ है, और बहुत ऑसम रिजल्ट है। सर्दियों में आपके जो बाल रूखे सूखे से बेजान हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे, और आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।